के अंदर, देश के हालात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ लोग लोगों को धोखा देकर रेवड़ियां बांटकर सत्ता प्राप्त करने के आदि बन चुके हैं लोगों के अंदर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये शब्द दोहराया, मुझे गाली दी गई, मुझे गाली दी गई। इतना झूठ बोलना है, संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसने गाली दी? और चोर की दाढ़ी में तिनका। बात प्रधानमंत्री जी ने कहा रेवड़ी बांटकर कुछ लोग कर रहे हैं, आपको पतंगे क्यों लगे पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ा झूठ आपने बोला कि दिल्ली में एजुकेशन 12वीं तक की शिक्षा में लोगों को फ्री दे रहा हूं। 2004 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद से दिल्ली में 12वीं तक की शिक्षा हर व्यक्ति के लिए फ्री है, पहले से ही फ्री है, केजरीवाल साहब ने नहीं की है। दूसरा उसने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर 20 लाख तक का ऑपरेशन का खर्चा दिल्ली के हर व्यक्ति को मुफ्त में दे रहा हूं। केजरीवाल साहब 1000, आप 2 करोड़ लोगों को फ्री की इलाज देने की बात कर रहे हो ऑपरेशन की, 20 लाख, 1500 लोगों की सूची जारी कर दो, आपने कितना दिया है। दिल्ली के लोग तो तिल मिलाकर निश्चित रूप से आपको गाली दे रहे होंगे, जिसने सुना है कि किसको इलाज दिया है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसी भारत सरकार की, केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, एक्सीडेंट के बाद लोग सीधा उन्हीं अस्पतालों में इलाज कराने में विश्वास करते हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोई नहीं जाता एक्सीडेंट के बाद, कोई नॉमिनल छोटा मोटा एक्सीडेंट जाता है, एक रिकॉर्ड दिल्ली के लोगों से कोई निकालकर देख सकता है। आपने कहा कि क्या मैं गुनाह कर रहा हूं कि मैं डीटीसी के बस में महिलाओं को फ्री किराया दे रहा हूं? केजरीवाल साहब पिछले 7 वर्ष में बताएं आपने कितनी डीटीसी की बस खरीदी? डीटीसी की बस खत्म हो गई। आपने दूसरा बड़ा झूठ बोला कि दिल्ली का बजट फायदे में जाता है। केजरीवाल साहब, जल बोर्ड लगभग 60,000 करोड़ घाटे में है, आज तक ऑडिट नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? आपने कहा मैं सभी दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूं, ये सबसे बड़ा झूठ। जिस व्यक्ति का बिजली का बिल 201 यूनिट आ जाता है, उसको उसी 4.5 रुपए यूनिट के हिसाब से दिल्ली में बिल लाए जा रहे हैं, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? दिल्ली के मेरे भाई बहन अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो केजरीवाल के झूठ को भी सुनो। उसने कहा दिल्ली के हर व्यक्ति को 200 यूनिट बिजली फ्री दे